मैंने एग्जिट पोल में कहा था जो विदर्भ का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया जो, वो आरएसएस का एक बैकबोन है बीजेपी का। मैंने कहा था कि वो ऑक्सीजन का काम करेगा। अब आरएसएस की मैनेजमेंट यहां पर और बीजेपी की तालमेल बहुत अच्छा था। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और महायुति जो है एक बार फिर से बढ़त बनाकर सरकार बनाने के लिए सामने आई है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया रही है, बहुत अच्छी सीटें लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है सबसे आगे है इस समय। और इसके पीछे के क्या कारण है, क्या रणनीति रही है सबके पीछे, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा जो अर्थप्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं। इसके अलावा वो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि इस बार फिर से महायुति की जो सरकार बन रही है उसके पीछे कौन सी रणनीति रही है, क्या कारण रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। नमस्कार जी, नमस्कार जयंत जी। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है, चाहे हम हरियाणा चुनाव की बात करें, चाहे हमने दिल्ली चुनाव की बात की थी, लोकसभा चुनाव की बात की थी, या पंजाब के चुनाव की बात की, जो एग्जिट पोल है हमेशा चुनाव जो है एग्जिट पोल के उल्ट जाते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका एग्जिट पोल की बात करूं तो आपका जो एग्जिट पोल रहा है या आपके जो आंकड़े रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक रहे हैं। महाराष्ट्र के बारे में भी कहीं ना कहीं आपने कहा था कि महायुति जो है और सरकार बनाएगी, पर आपने जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जितनी सीटें कही थी लगभग उसके आसपास की सीटें ही जीत चुकी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि इसके पीछे के क्या कारण है। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं मैं जानता हूं, लेकिन इतनी सटीक जानकारी कैसे। देखिए राजेंद्र जी, ऐसे होता है जब भी कभी इलेक्शन होता है ना जी, उसका एक टेम्पो होता है। कोई भी इलेक्शन जमीनी स्तर से उठता है और उसके बाद एक पीक पर पहुंचने के बाद जो पार्टियां उसको कांस्टेंट रख लेती हैं, कांस्टेंट रखना भी जरूरी होता है, तो वो आगे बढ़ जाती हैं जी। लेकिन जो पार्टियां एक बार पीक पर जाकर डाउनफॉल एकदम नीचे गिर जाए तो वो दिक्कत होती है। अब जो आपने सवाल किया तो इसके लिए ना जनता के बीच में जाना पड़ता है, क्योंकि जनता बताती है, उसके पहले वहां उस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां बताती हैं। जैसे मैंने महाराष्ट्र का आपको बताया था, हरियाणा का बताया था, हर जगह की अलग अलग राजनीति होता है। तो भौगोलिक परिस्थितियां, कल्चर, वोटिंग, जो किस कास्ट की वहां पर डोमिनेंट है, उस एरिया के क्या मुद्दे हैं, इनको सब स्टडी करना पड़ता है। स्टडी कर फिर कौन सी पार्टी का क्या प्रभाव है, फिर उसके बाद पार्टी की क्या मैनेजमेंट है, ये सबका समावेश होता है। तो उसके बिहाव पर फिर आगे बात होता कि कौन सा एग्जिट पोल ठीक होता है, इसके लिए सब कुछ देखना पड़ता है। तो अभी मैंने कहा था पिछली बार की एग्जिट पोल की श्रेणियां होती हैं जी, बिल्कुल ठीक। और मैक्सिमम जो चैनल है वो सिर्फ एक चीज देखते हैं कि करंट वोटिंग परसेंटेज किसको पड़ा ज्यादा। जैसे चुनाव खत्म हुए वहां के लोगों को पूछा, अब उसके अंदर कई बार ऐसे होता है कि हमने 100 लोगों को पूछ लिया, 100 में से जरूरी तो नहीं है हर आदमी सही बताए, सही बताएगा। आप कैसे 100 के मगर आप 2.5 करोड़ 13 करोड़ लोगों का अनुमान लगा सकते हो, ये सब कुछ देखना पड़ता है, इसके लिए मेहनत लगती है। हाँ जी जी डॉक्टर साहब, चलो आपके जो आंकड़े थे, आपका जो एग्जिट पोल था वो कहीं ना कहीं स्टीक बैठा है। महायुति जो है एक बार फिर से सरकार बना रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी जीत के इतनी ज्यादा सीटें ले जाने के पीछे क्या कारण रहे हैं, ये क्या रणनीति रही है। और एक चीज और, एक सवाल मेरे, दो तीन सवाल इकट्ठे करूंगा और आप उनका जवाब है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो जीत के कारण क्या रहे हैं, रणनीति क्या रही है इनकी, और दूसरा जो मेजोरिटी आई है उसके पीछे जो आरएसएस है उसका भी कोई रोल है या नहीं। देखिए, आपने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी को मैंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था, और कि भारतीय जनता पार्टी का अगर पिता है तो वह आरएसएस है। अब आपने एक चीज देखी होगी, लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज महाविकास अघाड़ी को ज्यादा पड़ा, अब 3 महीने के अंदर, 3-4 महीने हुए हैं लोकसभा चुनाव होने को, उसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस है, महायुति की परफॉर्मेंस, वो एकदम बूम बन के आगे निकल गई।
इसका कारण क्या है? लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां, इस चुनाव की परिस्थिति 3 महीने के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ। अब आपको बताता हूं मैं, लोकसभा चुनाव में नड्डा जी ने जो बयान दिया था हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, उसका फैक्ट पड़ा, बिल्कुल ठीक। और लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के सीनियर लीडर थे वो अपने अपने चुनावों में व्यस्त थे, तो उससे उस लोकसभा और विधानसभा के बीच में आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग हुई, नेशनल लीडर थे वो कंपेन नहीं कर पाए, नहीं। और आरएसएस की मीटिंग हुई बीजेपी के साथ, साउथ में मीटिंग हुई थी, तो जो बयान थे उसको काफी हद तक, यानी जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हुई। और आपको एक चीज और बताता हूं, मैंने एग्जिट पोल में कहा था जो विदर्भ का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया जो, वो आरएसएस का एक बैकबोन है बीजेपी का, मैंने कहा था कि वो ऑक्सीजन का काम करेगा। अब आरएसएस की मैनेजमेंट यहां पर और बीजेपी की तालमेल बहुत अच्छा था, तालमेल आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें लेकर गई है, देखिए एक अनुमान से बहुत ज्यादा सीटें आना, इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट बहुत तगड़ी थी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हरियाणा की पिचें स्पिनर है, वहां पर फास्ट पिचें हैं, और जो फास्ट पिचों में जो बॉलर भी है वो भी खतरनाक, जो टीम का एक मैनेजमेंट था बहुत पुख्ता मैनेजमेंट था। मैं आपको बताता हूं कैसे था, आरएसएस ने सह सरकार्यवाहक अतुल निमे जी की ड्यूटी लगाई, और उसके साथ उन्होंने ड्यूटी लगाई अपने सह राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी की। ये मैनेजमेंट है, ये वो चीज बता रहा हूं कि जिससे बीजेपी आई है, उससे ये हुआ जो अतुल निमे जी ने जो महाराष्ट्र के लीडर थे उनके तरफ फोकस किया, जो शिव प्रकाश जी थे उन्होंने जमीनी लेवल पर काम किया, बूथ लेवल पर काम किया, लोगों के बीच में जो लाडली योजना आई है। देखो योजनाएं मैं अक्सर कहता हूं सरकार करती है, लेकिन वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, वहां पर आरएसएस के लोगों ने जनता तक पहुंची, वो जो दूसरी टीम थी। इसी तरह से मैं आपको बताता हूं नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा होल्ड है महाराष्ट्र के अंदर, बिल्कुल आपको पता ही है। और नितिन गडकरी जी ने के साथ तालमेल बैठा संगठन जो अपने महामंत्री है बी एल संतोष जी का, उन्होंने वो टीम संभाल ली। अच्छा जो अपने अतुल जी हैं उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, आप देखो कि मराठवाड़ा में तो कमाल हो गया, पंकजा मुंडे के जो ब्रदर हैं धनंजय मुंडे वो 1,39,000 वोटों जीते हैं, मुंडे 40,000 वोटों जीते हैं, इसका लोगों ने वोट पाई है। इलेक्शन में एक चीज होता है, मैं आपको बताता हूं, मुद्दे होना अलग बात है, लेकिन जनता के अंदर जो मुद्दे होते हैं ना, आपने एक मुद्दा छेड़ दिया, लेकिन जनता को कन्विंस करना पड़ता है कि हमारा ये मुद्दा ये है, इसका ये कारण है, वो बीजेपी और आरएसएस साथ मिलकर कन्विंस कर सके। और आपको एक चीज बताता हूं, आप क्या सोचते हो, आरएसएस ने बूथ लेवल प्रोग्राम किया, जो गडकरी जी बी एल संतोष ने लीडर देखे अतुल लिमेज ने, और जो शिव प्रकाश जी ने जो निचले लेवल किए, सारे हजारों मीटिंगें हुई हैं। आपको बता दूं आरएसएस और बीजेपी जो जनता जो कार्यकर्ता में हजारों मीटिंग हुई, आपको बता दूं हजारों मीटिंग का परिणाम है यहां तक पहुंचे ये। और आपने देखा होगा पंकजा मुंडे ने कैसे रणचंडी का रूप धारण कर लिया मराठवाड़ा में, नवनीत राणा और मुस्लिम एरिया से वोटें बीजेपी को मिली है। इसका मतलब ये सब लोग को पता था कि किस तरीके से हमने युद्ध के अंदर जाना है, प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग देखो इलेक्शन कोई भी इलेक्शन प्लानिंग से होता। अच्छा और उन्होंने एक सेमीफाइनल मैच था जो आईपीएल का 2020 हरियाणा में खेल दिया था, वही पैटर्न उन्होंने वहां पर लगा दिया। मैनेजमेंट उसी तरीके की थी, लेकिन वो मैनेजमेंट थोड़ी एडवांस लेवल की मैनेजमेंट थी, स्टेट बड़ा था। अब आप देखना झारखंड में नहीं परफॉर्म कर सके, क्यों नहीं कर सके, क्योंकि सारा फोकस बीजेपी आरएसएस का महाराष्ट्र के ऊपर था कि हमने महाराष्ट्र जीतना है। आप एक चीज आप बताता हूं, जब इंसान ना कोई मन बना ले कि हमने उस मंजिल तक पहुंचना है लगन के साथ, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। यही आरएसएस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और साथ में नागपुर में देखिए, और आपको बताता हूं मराठा आंदोलन था, उसमें फडणवीस जी के बहुत काफी लोग रेस थे, लेकिन आरएसएस ने वो मीटिंग बनाई, जो नाराज लीडर थे महाराष्ट्र के पीछे उनकी देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग हुई है कि क्या को ठीक किया जाए। और गडकरी जी का बहुत अहम रोल है। हाँ बिल्कुल, बड़े नेता है वो, बड़े नेता राष्ट्रीय। अच्छा पंकजा मुंडे, गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इन्होंने पता क्या किया मैं बताता हूं। जैसे महायुति का था ना जी,
तीन लाइनें होती हैं जब हम स्टेडियम में भागते हैं ना, जैसे रो नहीं होती, अगर हम एक रो का बंदा दूसरे में पड़ जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। ये तीनों अपने अपने जगह पर चलते रहे तेजी से, एक दूसरे के बीच में नहीं आए। शिवसेना शिंदे को अपना काम करता रहा, अजीत कुमार अपना काम करते रहे और देवेंद्र फडणवीस एक काम अपना करते रहे। तो ये समावेश के कारण, और मैं फिर कहता हूं कि आरएसएस की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और आरएसएस के मतलब आरएसएस नहीं, उसके साथ संगठन है जो, जी संगठन है। अब देखना बीजेपी के भी मैनेजमेंट बूथ लेवल पर कार्यकर्ता बैठ जाते हैं, और मुझे ये बताइए जो बूथ लेवल पर बैठेगा वो लोगों को वोट के लिए घर से कैसे लेकर आएगा, नहीं लेके आ सकता ना। वो वहां की मैनेजमेंट देखते हैं। जो आरएसएस है वो उस बूथ पर फोकस करके जो उसकी वोटें हैं वो घरों से बाहर निकालते हैं कि आप वोट पाने हो। ये समावेश है। इस समावेश के कारण भारतीय जनता पार्टी ने वो इतिहास रच दिया जिसने कभी सोचा भी नहीं था किसी ने। जी बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है बहुत मजबूत है, और चुनाव के समय एक माइक्रो मैनेजमेंट जो है उनकी वो बहुत काम। और भारतीय जनता पार्टी में जब हम वहां पर गए थे महाराष्ट्र, मैंने एक चीज देखी, कुछ लोग ऐसे हैं आप यकीन नहीं करोगे, हमारे दर्शक भी यकीन नहीं करेंगे। एक और बात बताऊंगा आपको मैं कि वो चुनाव के दौरान ही आते हैं, चुनाव करा जाते हैं और वापस फिर अपने कामों पे लग जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं, उनका मतलब यह है कि बीजेपी की सरकार आ जाए और उनको कोई मतलब नहीं है, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इस तरीके का, यानी उन लोगों की जिसको हम कहते हैं ना कि अनन्य भगत कह दें, जो अपनी जिम्मेदारियां होती है आरएसएस में अपने आप काम करते हैं, उनको बता दिया जाता है कि आपने ये काम वो अपने आप करेंगे। इसी जो आरएसएस की जो रीढ़ की हड्डी है ना, बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है आरएसएस। अब सभी दुनिया ने देख लिया। और आपको एक बात और बताता हूं, जिस जिस जगह पर आरएसएस का संगठन स्ट्रांग है बीजेपी सत्ता में आएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र देख लिया आपने, जहां पर आरएसएस फोकस नहीं है वहां पर बीजेपी नहीं आती, नहीं आती। हाँ जी, ये इनका समीकरण है जी। डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम सवाल, मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? देखिए मुख्यमंत्री की बात करता हूं, महायुति के अंदर जिसको प्रोजेक्ट किया था वो एकनाथ शिंदे जी थे जी। उस समय परिस्थिति अलग थी क्योंकि मुख्यमंत्री थे पहले, उनको किया। लेकिन अब जो परिस्थिति है, बीजेपी बहुत सीटें देके जा चुकी है, उनकी 155 सीटें आई हैं आई थिंक, इसके नियर मेरे एग्जैक्ट आंकड़े नहीं पता, और उनकी 132 इसके आंकड़े हैं, ये आई है मोस्टली, इतने ही होंगे। लेकिन कहने मतलब अब इतनी बड़ी जो सीटें आई हैं तो नेचुरली है जो अधिकार है, जो अधिकार है ये बीजेपी का बनता है। हाँ उस समय आप ये बात कहोगे कि वो सीएम थे, अब वो नीचे कैसे काम करेंगे, ये राजनीतिक परिस्थितियां होती है। ऐसे तो देवेंद्र फडणवीस भी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, हाँ डिप्टी सीएम का किया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इस तरीके से अच्छा, और बताऊं जो अजीत पवार जी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी सीएम बना दे, तो इसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस आज की डेट में सबसे आगे हैं, और देवेंद्र फडणवीस हो सकता है कि वो, फिर आप कहोगे कि आपको डॉक्टर साहब पहले कैसे पता चल जाता है, आप फिर कहोगे मुझे, लेकिन मुझे लगता है जो परिस्थिति है कि कोई भी पार्टी, नेशनल पार्टी ये नहीं चाहेगी मुख्यमंत्री का। देखो जिन्होंने मेहनत करके बीजेपी को इतनी मेजोरिटी जो इतिहास में आ रही है वो कार्यकर्ता तो पूछेंगे ना जी। जी मुझे एक चीज और बताइए, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई सहयोगी पार्टियां होती हैं चुनाव में, जब सहयोगी पार्टियां मिलकर कहीं भी गठबंधन बनाती हैं, और गठबंधन जिनके साथ बनता है उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, और वो अपनी कंडीशंस पे एक पद, एक डेजिग्नेशन मांगती हैं। तो जो एकनाथ शिंदे हैं मुख्यमंत्री रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो दूसरे नंबर पे भी है महायुति में, मतलब कहें तो अच्छी सीटें लेके गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जितनी सीटें दी थी उस हिसाब से उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है, तो वो अपने मुख्यमंत्री का पद क्यों छोड़ेंगे? देखिए ये नहीं होता, ये नहीं होता, अगर गठबंधन टूटने के चांसेस, ये नहीं होता, ये नहीं होता। देखो ये बातें गलत है, मुख्यमंत्री का पद ये नहीं है कि रिजर्व हो गया। देखिए जब जब गठबंधन बनता है तो शर्तों पे बनता है, शर्तों पे बनता है मैं मानता हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस भी करें। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करूंगा मैं शिवसेना की, एकनाथ शिंदे ग्रुप की, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, परफॉर्म किया है, नो डाउट परफॉर्म किया है, सीटें लेकर आए हैं। लेकिन आपको फिर आप मेरी बात समझ रहे, जब सीटों का डिफरेंस ना दुगने से ज्यादा हो जाए फिर कोई भी पार्टी कहती है कि हमारा सीएम बने। हाँ ये नहीं शिंदे जी को
डिप्टी सीएम डिपार्टमेंट वगैरह, इससे कहीं इज्जतवान पूरा होगा, अजीत पवार जी को भी देंगे। लेकिन आज की डेट में बीजेपी, मैं आपको बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं महायुति की बात नहीं कर रहा, वो आप बात करो महायुति की, जो तीनों लीडर बैठेंगे उसकी बात कर रहे हो, बिल्कुल। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, बीजेपी किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं छोड़ेगी। हाँ सही है, क्योंकि एक बड़ी मेजोरिटी के साथ मतलब आई है। लेकिन गठबंधन, मैं तो बात कर रहा हूँ गठबंधन की, क्योंकि जब गठबंधन होता है तो शर्तों पे होता है। बिना शर्तों के गठबंधन कभी भी नहीं होता। राजनीति में एक चीज मानी गई है कि हमेशा गठबंधन जब भी होता है, अगर केंद्र की सरकार की बात भी करें तो वहां पे भी अगर नीतीश कुमार जी का या चंद्रबाबू नायडू ने कहीं ना कहीं उनको एनडीए को सपोर्ट किया है तो उनकी अपनी शर्तें हैं, वो अपने अपने स्टेट के लिए पैकेज मांगते हैं, अपने अपने स्टेट के लिए मुख्यमंत्री बने। हाँ, दोनों मुख्यमंत्री बने। हाँ। तो कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी नहीं बन सकती। नहीं, महाराष्ट्र की परिस्थिति अलग है, केंद्र की अलग है। केंद्र को आप महाराष्ट्र से कंपेयर करोगे तो मैं आपकी बात मान रहा हूं। मैं आप ये कह रहे हो कि शिंदे को कैसे कन्विंस करेंगे, यस हाँ, ये मेरा गेम पावर है, कन्विंसिंग पावर है ना, कि कैसे कन्विंस करेंगे कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए, देवेंद्र फडणवीस लेगा। यही बात है, ये फैसले होगा। देखो अगर बीजेपी दावा कर रही है, ठीक है ना, तो उसमें वो लॉजिक भी रखेगी ना, जो महायुति की तीन लीडरों की मीटिंग है उसमें बताएंगे। अच्छा, दूसरी बार पिछली बार देख लो, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे जी, डिप्टी सीएम बने हैं। देखो अगर आपकी बात ठीक है, गठबंधन शर्तों पर होता है, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आ जाए ना तो कुछ त्याग भी करना पड़ता राजनीति के अंदर। ये नहीं है आप रिजिड हो जाओ कि मैं बनूंगा जो मर्जी हो जाए, मुझे नहीं पता, ऐसे नहीं होता। पर वक्त परिस्थिति स्थान देकर सीनियर लीडर को त्याग भी करना पड़ता है, तो उस जो आज उनका शायद फाइनल होगा दिल्ली में, उस स्थिति को देखते हुए मैं कह रहा हूं कि देवेंद्र, आप बताओ देवेंद्र फडणवीस ही क्यों बनेंगे, इतने लीडर हैं वहां पर, आप ये भी पूछ सकते हो। नहीं, देवेंद्र फडणवीस का तो इसलिए भी क्योंकि पहले वो मुख्यमंत्री रहे और एक महाराष्ट्र के सीनियर लीडर्स में से आते हो। नहीं, मैं देवेंद्र फडणवीस जी की आपको हिस्ट्री बताता हूं जी, आप सुन के चौंक जाओगे। अच्छा, मैं क्योंकि मैं तो हमने वहां पर काम किया, मैं चाहता हूं मेरे दर्शक भी जरूर चौंके। आप कभी नागपुर जाओगे ना जी, देवा भाऊ कहते हैं इनको, और इनके जो पिताजी थे ना वो जनसंघ के सीनियर लीडर थे और एमएलसी के सदस्य भी थे महाराष्ट्र के, नागपुर से बिलोंग करते, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। जब उनकी डेथ हुई तो इन्होंने, इनके फादर की, तो देवेंद्र फडणवीस छोटे थे उस समय, और देवेंद्र फडणवीस बचपन से आरएसएस में जाने शुरू कर दिया। यानी आरएसएस का प्योर प्रोडक्ट है, इतना प्योर प्रोडक्ट है आप सोच नहीं सकते। शुरुआती दिनों में इनके स्कूल, इनका स्कूल घर वालों लगा दिया था कॉन्वेंट स्कूल में, इन वो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गए, वो कह रहे मैंने वैदिक रीति रिवाज वाले स्कूलों में एडमिशन ले लिया, बाकी पढ़ाई वहां से की। और आपको बता दूं 27, अच्छा गडकरी जी के हाथ में सौंप के वो, और आपको पता नितिन गडकरी जब ये देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ नॉमिनेशन फॉर्म करने गए थे तो उनके घर पर गए थे, घर से गए थे, तिलक किया गडकरी जी मिश्र ने पूरे परिवार ने। यानी आज भी इतना प्यार, बच्चों की तरह प्यार करते हैं गडकरी जी उनको, तो ये तो सेकंड बात है। और उसके बाद पार्टी के प्रति बताता हूं ना, और उसके बाद 27 साल की उम्र में नागपुर जैसे जो इसको एक दूसरी राजधानी महाराष्ट्र कहते हैं वहां पर मेयर बन गए थे, महापौर बन गए। यानी पार्टी ये भी देखेगी कि अगर हमने देवेंद्र फडणवीस छोटी उम्र में इतनी लेवल पर गए हैं वो कैसे गए हैं, उनकी पृष्ठभूमि को जान जरूर पृष्ठभूमि ध्यान में रखा जाए। वो अच्छा गडकरी जी उनके साथ उचित मिस्ट्री है, अब देखो जीतने के बाद फिर मिलने के दोनों जने। तो ये एक सिस्टम है जिसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को ही बनाएगी। So, दोस्तों महाराष्ट्र में महायुति जो है वो सरकार बना रही है, सरकार और कौन होगा आने वाला मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा है, इन्होंने जमीनी स्तर पर इतनी मेहनत की, लोगों के साथ जाकर बात की और एग्जिट पोल इतने एग्जैक्ट और इतने बिल्कुल स्टीक बताए कि जो इन्होंने सीटों का आंकड़ा बताया था कहीं ना कहीं वो आंकड़े हमेशा की तरह, जैसे पहले लोकसभा चुनाव में भी या हरियाणा की विधानसभा चुनाव में भी उसी तरह से एकदम स्टीक आए, इसी तरह से डॉक्टर साहब की एग्जिट पोल्स और दूसरी जो डिबेट्स हैं वो देखने के लिए देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।